वेलकम बैक टू तिवारी फैमिली व्लॉग। इट्स नाइट टाइम और अंकल आंटी भी घर पे आ गए हैं और मंचूरियन भी लाए हैं। दीदी और सुरभि को बहुत पिटाई भी की आंटी ने, नाक फोड़ दिया है सुरभि का मार मार के। मुंह से नाक पे लगल बा दूध आज खाई है सुरभि ने मार की हो गई है उसकी नाक लाल। पर क्यों मार खाई, क्या ऐसा क्या कर दिया, क्या किया बताओ सुरभि। इधर उधर भाग रहे, नोट चल रहा है, इसने मार गलती की है, भाग रहे थे उसको पिटाई हो गई। अब इसको संभालो, ये दवा ले रहा है, इसको संभालो, उसको हाथ छोड़ के भाग रहा है। काउंटर उसका हाइट पे था, उस पे कूद रहे, चढ़ रहे, इस पे लगा उससे। अंकल की सारी कहे बीच में कर दिल यार तू बोली अंकल और भाई ऐसा में टाइट। अब हम जाते हैं घर, सबके गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, सेम सेम। हाँ गुड नाइट। You are not getting dress. है पहन ली का? पहन ली का ही वाला? पक्का? तेरा फंकी ना लगी ना? थोड़ा सिंपल वाला पहन देने। अच्छा तो भाई यार। जरा चमचम फंकी टाइप लगा था दीदी। ना नहीं क्या लगा। Good morning guys. मत देखो मेरे को सुबह सुबह मत देखो। हाथ से बनल बगा ना, दुकान से लेके जो खाते हैं आप खिलाते हैं। गैस तो माँ को अंकल आंटी ने बुलाया था और उन्होंने ये चमचम भिजवाया है, रसगुल्ला टाइप। मेरे तरफ पिंक कलर। मैं वो के पापा के दादी हूँ, कान्हा जी के, कान्हा जी। मेरी वैसे भी खाने की इच्छा हो रही थी, ये कान्हा के लिए आया है पेड़ा। मेरे ना कुछ मीठा खाने की आज बहुत क्रेविंग हो रही थी। तब तक अंकल ने सुन लिया, दिल की बात सुन ली और ये पिंक पिंक रसगुल्ले भिजवा दिए। देख ला अंकल तेरा कितना मानते हैं। हम अभी किचन में ढूंढ के आने हैं। अब तो दो दो गोलो खा देता दी अंकल ना। अब दो को मैं खा दी, दो को पापा खा दी, दो को खा लूँ ना। देख दी, देख रे, एक और खा रहे थे पापा के, कह दिया सब डाइट देती हो मेरे। अरे बहुत क्रेविंग होता है मीठा खाए के। खाए हो? थैंक यू अंकल, आपने मूड अच्छा कर दिया काम करते करते। पानी दे दमा, अब बस सो जाना है। आंटी को बुला लिया अंकल ने, ना दोनों आ गए। ओफो मां, आंटी अंकल अलग थोड़ी बालो, एक ही है ना, वो पति पत्नी एक ही होते हैं, तो मैं अंकल को बोलूं या आंटी को बोलूं दोनों के लिए एक ही है। तू खेलो। हम वो खेलने जा, हम चार को खेलने हैं। दो अपने हाथ खाई, दो देवर खिलाए मुझे, चार में खा के आई। मतलब तू हमनी से ज्यादा खा ले। हाँ गाइस, इट्स अराउंड
7:15 एंड ऑल। तो अभी वैसे भी काम चालू है मेरा, महिमा पापा अभी आए नहीं है, माँ का अभी खाने की तैयारी चालू है और काना भी मस्त विश्राम कर रहे हैं, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कब मेरा एक घंटा बीते कि मैं फटाफट से लॉग आउट करूँ, सर दुख जाता है। कल तो ऑफिस है मेरा क्योंकि कल बुधवार है, तो हो सकता है शायद हमें टाइम ना मिले कल बिल्कुल भी व्लॉग डालने के लिए, तो आप लोग निराश मत होना। पॉसिबली अगर हम कुछ छोटा सा भी व्लॉग बना पाए तो डेफिनेटली हम डाल देंगे, अदरवाइज आपको कल व्लॉग नहीं आ पाएगा। एंड परसों का परसों देखेंगे, अभी तो सिर्फ कल का डिसाइड किया है मैंने, क्योंकि हमें तो कल का भी पता नहीं होता, जो है सो आज में ही है। बट स्टिल कल का मैं आपको बस एक आइडिया दे के रख रही हूँ। बट या सो यहाँ पे मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो भी ऑडियंस हमें देखते हैं यूट्यूब के ज़रिए, तो लेट्स प्ले अ क्वेश्चन आंसर सेशन गाइस। अगर आप चाहते हो, आप हमारे लाइफस्टाइल के बारे में या हमारी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं हमसे, या आप चाहते हैं कि हम आप लोग का नाम लेके व्लॉग में बताएं कि आपने ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो प्लीज़ आप हमें बताइए और कमेंट में वो क्वेश्चन लिखिए कि आप क्या जानना चाहते हो। तो वो आप क्वेश्चन लिखेंगे तो हम अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, तो दैट विल बी अ गुड सेशन जहाँ पे हम एक दूसरे को जान पाएंगे अच्छे से और आप हमारे बारे में जान पाएंगे। बिकॉज हमने ऑलरेडी हमने अपने बारे में बताया हुआ है आपको, पर हमें हम हो सकता है हमसे कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई हो या सारी चीज़ें, तो इन दैट केस अगर आप क्वेश्चंस में लिख के हमें कमेंट में पूछ सकते हैं तो इट विल बी ग्रेट, क्योंकि शायद हमने जो नहीं बताया वो आपके क्वेश्चंस में हमें मिल जाए और यहाँ पे एक एंगेज्ड एक्टिविटी हो जाएगी जहाँ पे आप एज अ ऑडियंस एंड हम एज अ क्रिएटर आपको अपने बारे में बता पाएंगे और आप हमें और जान पाएंगे। तो लेट्स प्ले अ क्वेश्चन आंसर सेशन गाइज, एंड दिस सेशन इज गोइंग टू गो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। सो ये ऐसे ही क्वेश्चन आंसर सेशन चलने वाला है फॉर वन एंड टू व्लॉग्स, एक दो व्लॉग में ऐसे ही चलेगा। तो अगर आप हमें देख रहे हैं, हमें जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपके क्वेश्चन हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करें। पापा सबके खातिर लेके सामने दीदी खातिर हमरा सामने हमरा खातिर बात कर रहे हो हां हां जैसे कि डेढ़ किलो ले लो डेढ़ आई पनीर दीदी बोनी करती है खाइबो करी या नष्टो करी या लेयो के ले या बची तो हम नहीं के मिली इधर कौन है पापा ये बात कर रही हो आई हैवंट टोल्ड एनीथिंग टू यू ये है कि यहां की बुधवार बुधवार के प्रिय के पनीर ही रहेगा दूर पनीर खा ले ठीक बोले लो पापा ने खुद कहे नहीं दूसरा पे इल्जाम लगा देंगे पहले कि ना हम नाश्ता करें पनीर के नहीं खाइबो करे आई गॉट एप्रिसिएशन टुडे ओप्स कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस क्या हो रहा सुनो ताकि हम कल पर मिठाई दे ला भाई मैं अमर देख पहले भाई तेरा मिठाई खा ले अब बहुत अच्छा वाले मिठाई एकदम चमचम खाने सब मत खाइएगा पापा खाते रख दिया तीन को खाइला सी हाँ तो तू हमारा ब्रेड वाला ना खा गई रहलू अंकल के सामने अबे छोट है हम ते कब से इतना नीचे लग गए हम तो बड़ा ही ना अच्छा तू तीनों खा ला तीनों नहीं पापा ये होता ना ना अच्छा बने हां खा ला ना पापा का तर पेट निकला पापा हां पापा तिवारी जी नहीं खाएंगे पेट बाहर आ गया मिठाई ले ना ना एप्रिसिएशन की खुशी में मिठाई खा ला कहने को जश्न ने बा मेरे को लिया जब मेरे पुणे आई तू हो अंकल के जगह आई थी और तैया मिठाई से मुंह भर दिया मन मुताबिक जो है आप मिले हो हमको एकदम बेस्ट थैंक यू चलो तेरा दिल में खुशी जाग रही प्रोफेशनलिज्म डिसिप्लिन कुछ भी नहीं थे सब हम हैंडल करेंगे सब हमें मेंटेन करेंगे हे गाइस तो कुछ इस तरीके से बीता हमारा आज का दिन और आप इसी तरीके से हमारा ब्लॉग देखिए एंजॉय करिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड आई होप तिवारी फैमिली ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और अभी हमारी फैमिली कर रही है वॉक गार्डन में तो हम ये आज का ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म कर रहे हैं अम्मा बाय बोल दो हम लोग आए हैं घूमने के लिए
घूमने के लिए आए, देखिए हमारे पूरा फैमिली आया है, इधर गार्डन में घूम रहे हैं। ठंडी भी है, ठंडी है, ठंडी है, थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा है। हाय करो, हाय नहीं अब बाय करो, ब्लॉग खत्म होने वाला है। बाय करो, गुड नाइट, ऐसे बोलो, पापा बोलो, पापा पापा बोलो। देखिए ठंडी है, आप लोग मत निकलिए, हम लोग निकले हैं। एसी का हवा ले रहे हैं, ये लोग तो एसी का हवा ले रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी पानी हम लोग गर्मी नहीं है बॉडी है गाइस। बाय बाय बाय।